नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव बुधवार को हो गए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की संभावना से इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी के 120 से 125 सीटें मिलेगी, हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। ऑपरेशन लोटस शब्द राज्य के विपक्षी कांग्रेस और जनता दल के कुछ साल पहले गढ़ा था। विपक्ष के अनुसार अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रहने पर बीजेपी ऑपरेशन चलाती है और कथित रूप से विपक्षी दलों के विधायकों को लालच देकर अपने पाले में लेती है, ऐसे में सरकार बनाने का प्रयास करती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस को बढ़त दिखाने वाले एग्जिट पोल को गलत साबित करेगी। उन्होंने कहा कि वोटिंग के बाद प्राप्त प्राथमिकी खबरों से पता चलता है कि उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रही है। ऑपरेशन लोटस से जुड़े एक सवाल पर मंत्री करंदलाजे ने कहा कि बिल्कुल नहीं, विश्वास रखें किसी भी तरह के ऑपरेशन लोटस की स्थिति पैदा नहीं होगी। राज्य चुनाव प्रबंधन समिति की संयोजक करंदलाजे ने कहा कि यहाँ खंडित जनादेश नहीं मिलेगा बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। करंदलाजे ने कहा कि हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त प्राथमिकी खबरों के अनुसार हम 120 से 125 सीटें जीत रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने कुछ सीटों पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि 150 सीटें जीतने के अनुमान को घटाकर 120 सीटें करने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि नए आंकड़े बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिली प्राथमिकी रिपोर्ट पर आधारित है। फिलहाल अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।